if I lay down and I play dead and I stay dead. God damn it. भैया थोड़ा देख के यार, मैं तो इंडिकेटर दिया हुआ है यार। Yep, I crashed after clocking tens or thousands of kilometers on all kind of vehicles and terrains. But eventually, I crashed. Riding a motorcycle comes with a lot of risks. But should we stop riding then? No. But we should ask ourselves that every time you get into such situations, will you be lucky enough to get away safely? We should make a habit to at least wear a helmet while traveling on two-wheelers and should never be overconfident on roads. That guy who had hit me came to help me and was apologetic for his mistake, and so is my mercy. So I left him without saying anything. We are human beings and we tend to make mistakes. Further down you can see that cops caught me for my exhaust system, and at that time I felt that how careless and insouciant I am in my life. So aapne pichli wali clip mein dekha hoga that ek car wale ne mujhe hit kar diya aur main gir gaya. तो मैं अभी फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि पैर मेरा लेग गार्ड में फंस गया था। सो यार आज मेरे लिए और मेरी मोटरसाइकिल दोनों के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। देखो इंडिकेटर मैंने दिया हुआ था और कार वाले ने भी दिया हुआ था, वो थोड़ा फास्ट आ रहा था, दैट्स इट। बट उसकी भी कोई ऐसे मेजर गलती नहीं थी। आज जो भी गलती हुई है वो मोटरसाइकिल की है, क्योंकि कल मैंने इसको धुलवाया कुछ था, शायद इसके स्पार्क प्लग में पानी आ गया। बट ये प्रॉब्लम बहुत कॉन्टीन्यूस है, हर बार जब बारिश होती है या इसको धुलवाता हूँ मैं तो आउट ऑफ 10 times ये 3 to 4 times ये ऐसा करती है कि ये मिस करना शुरू हो जाती है। सो व्हेन आई वाज टेकिंग द टर्न My motorcycle started stalling. Let me show you. See. So it won't start. ये बहुत ज़्यादा misfire कर रही थी। But yeah, at that moment of time, I had the control on the throttle. थोड़ा सा misfire हुआ, but उसमें वो car वाला इतनी speed से आया, उसने मेरे आगे के leg guard पे मारा, मैं दूसरी तरफ गिर गया। तो यार ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, पर हाँ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हाथ पैर वगैरह सब सही है। कोई भारी चीज़ होनी थी वो हल्के में टल गई, दैट्स गुड। मोटरसाइकिल में कुछ हुआ नहीं, लेग गार्ड ने मेजर ब्रूसेस वगैरह ले लिए। या थोड़ा सा इधर आ गया तो या दैट्स फाइन, बाकी कुछ मेजर तो आई थिंक नहीं हुआ है, बाकी सब तो ठीक है यार। अब चलो घर जाता हूँ यार, मैं थोड़ा इसको देखता हूँ मैकेनिक के बाद से, स्पार्क प्लग वगैरह खुलवा के क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। बाकी बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था, एकदम से चलते चलते नीचे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, सीधा मैं नीचे ही आ गया। या सो लेट्स ट्राई स्टार्टिंग दिस बेबी अप एंड गो होम। बहुत देर हो गई यहाँ पे बैठे बैठे। दैट्स द प्रॉब्लम, अब गिरने के बाद तो यार ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। दिक्कत ये भी है कि इसे जब चला रहा हूँ मैं तो एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद ही ये नॉर्मल सी चल रही है, पर वो आरपीएम बहुत हाई स्पीड्स के लिए है। अब मैं ट्रैफिक में तो 50, 60, 70 नहीं चला सकता, और उस टाइम पे दिस बाइक इज़ फायरिंग लाइक कि गन फायर हो रहा है।
और मैं अभी जिस एरिया में हूँ, ये मैं कनॉट प्लेस आया था कुछ काम करने, इस एरिया में अगर ऐसे टैंट्रम्स ये बाइक करेगी तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के कॉप्स साइलेंसर दूसरा लगा हुआ है तो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है और लोगों को लग रहा है कि जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, बट नहीं, इसके चक्कर में आज तो काम होते होते रह गया कि अच्छा हुआ, मतलब गॉड सेव्ड अस फ्रॉम एनीथिंग मेजर जो हो सकता था, बट नहीं हुआ। तो यार मैं तो कुछ काम से आया था और अपना ये नया मॉड चेक करने आया था जो मैंने करवाया है मोटरसाइकिल में। बढ़िया, चलो पेट्रोल डलवाते हैं इसमें, लेट्स हेड टूवर्ड्स होम। या दैट्स इट, लेट मी चेक द फोन। God damn it! Again, it stopped. लोगों को लग रहा है मैं बाइक, मुझे बाइक चलानी नहीं आती, बट गिरता रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कई बार फालतू में भी गिर जाता है। सी इन द मिडल ऑफ द ट्रैफिक, गॉड डैम इट, अब इसमें कोई मार भी देगा कोई क्या करे। पता नहीं क्या हुआ, ये देखो सब एक से एक है भाई साहब। ये देखो ये बंदा तो किसी को डाल, भाई कैसे चला रहा है, किसी तरह इसको घर खड़ी करूं मैं। ये क्या हो जाएगा, एकदम से गाड़ी आई, उसने लेग गार्ड में मारा और एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई वाज डाउन, मतलब कैमरा गिरा हुआ था। क्या हुआ अंकल, अंकल कंपनी का है ये, कंपनी का है,
ड्राइविंग वगैरह उसके लिए दिखाओ ना सब बोलो दे ये फंस गया सी है तो आई कैन टोटली से दैट टुडे इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ आफ्टर सो मेनी ईयर्स. अभी पीछे एक्सीडेंट हो गया, अभी आपने देखा पुलिस वालों ने भी रोक लिया फॉर द एग्जॉस्ट. कह रहे कंपनी का नहीं है, बट समझाना पड़ा कि नहीं कंपनी का ही है. फिर कह रहे इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कैसे है. मतलब मैं तो आराम से निकल ही जाता, बट ये मिस फायरिंग इतनी ज़्यादा कर रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको. तो फिर चलान करते करते रुक गए वो, पता नहीं उन्होंने नंबर वंबर डाल दिया, आई डोंट नो कि हो सकता है कर भी दें आ जाए फिर से. पहले तो उन्होंने बोला बाइक बंद कर लो, मैंने कहा अंकल ऐसा मत करो, ये मेरी डेली ड्राइवर है. फिर कहते लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस वगैरह दिखाया, फिर उनका एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक कि वो समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. तो अभी पहले जाके तो मैं इसका थोड़ा स्पार्क प्लग वाला प्रॉब्लम सॉर्ट करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. फिर इसमें जाके डीवी कलर फिट कर दूँगा. मैं कह रहा था ना, मैं आई वॉज इन द वर्स्ट पार्ट कि मोटरसाइकिल जहाँ पे टैंट्रम्स कर रही थी. मैं अगर मेरे को टाइम मिलता मैं शायद निकाल भी लेता, बट मैं जानता था निकलेगी नहीं. एक्सलेटर मैंने ज़्यादा जहाँ दिया ये बंद हो जाती, और उनको लगता भाग रहा है तो फिर तो वो बात ही नहीं समझते. तो मैं आपको यही वो कर रहा हूँ कि स्टे सेफ, हेलमेट पहनो. अभी मैं गिरा, मेरे हाथ और सर हेलमेट ने ही बचा लिए. मतलब हाथ तो नीचे लगा ही था, थोड़ा सा घिसा था तो ग्लव्स ने रोक लिया. तो बेसिक राइडिंग गियर जैसे हेलमेट तो आप पहनो ही, आपको बहुत मेजर इंजरीज से बचा सकता है. प्लस अपने व्हीकल को भी आप इन द टॉप कंडीशन रखो, बिकॉज कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो जाए. बताओ ये मिस फायरिंग के चक्कर में आज पुलिस ने भी पकड़ लिया, गिर भी गया मैं. तो यार, तो आई होप यू लाइक टुडे इज वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड माई एंटीज ऑल्सो. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन.